हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल सा वन हेयर स्टाइल वेस्टर्न ड्रेस के लिए। अगर आप जींस टॉप पहन रहे हो और कंफर्टेबल सा हेयर स्टाइल चाहिए, डिफरेंट लुक चाहिए, तो आप ये बना सकते हो ट्विन हाई फोन वन एंड कुछ डिफरेंट स्टाइल में होगा। तो वीडियो एंड तक देख लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस टाइप से बनाना है। एंड लॉन्ग हेयर के लिए बेस्ट रहेगा, शॉर्ट हेयर पर ज़्यादा मेरी तरह हेयर है तो भी आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो वीडियो में देखने को मिलेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। एंड सेकंड चैनल है प्रीत तिवारी टू, जिसपे ब्लॉग वीडियोज अपडेट करते रहती हूँ। और बहुत जल्दी मैं दिल्ली शिफ्ट होने वाली हूँ, तो वहाँ पर आपको मेरी डेली ब्लॉग वीडियोज देखने को मिलेंगी। तो और इंस्टा आई डी प्रीत तिवारी 24 है, वहाँ पर मेरी मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड रील्स वीडियोज देखने को मिलेंगी। तो इंस्टा आई डी पर भी जरूर जाएगा, सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, तो वहाँ से आप इजीली मेरे सारे चीज़ों पे जा सकते हो और देख सकते हो। सर्च करने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, इजीली डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ से बीच की मांग निकाली है, पूरा बैक तक निकाल लेना है। ओके, फिर फ्रंट से आपको कितना हेयर लेना है। और चोटी बना लेनी है इसकी। इस तरीके से चोटी गूंथ लेनी है। चोटी को गूंथने के बाद से हल्का हल्का सा इसको खींच लेंगे। आराम आराम से खींचेगा, जल्दीबाजी नहीं करना है। खींचने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके का आएगा एंड आपकी जो पतली सी छोटी सी चोटी थी वो उसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा और खूबसूरत सा लगेगा। इसको आप यहाँ पे टिक टैक क्लिप से मैं सिक्योर कर रही हूँ ताकि ये खुल ना जाए। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी कर लेना है। ओके, और इसमें भी चोटी बना लेंगे। काफ़ी क्यूट एंड हेड बहुत ही खूबसूरत सा हेयर स्टाइल लगेगा। थ्री इक्वल पार्ट्स में हेयर को डिवाइड करना है ताकि जो आपकी चोटी बनेगी वो ऊपर नीचे ना लगे, पतली मोटी ना लगे, बिल्कुल बराबर आए जैसे कि ये वाली हुई है अभी। यहाँ से अलग हो गया थोड़ा सा। कैमरे के पास आ गई हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। साथ साथ में खींचते जाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, दिक्कत नहीं होगी बाद में आपको। तो साथ साथ में खींच लीजिएगा, फिर गूंथते जाइए चोटी को। पूरा चोटी गूंथने के बाद जब हम लोग ये खींचते हैं तो कई बार हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है हेयर स्टाइल, इसलिए साथ साथ में आप खींच सकते हो जैसे मैं अभी यहाँ पे कर रही हूँ। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग अगेन एक क्लिप लगा देंगे। अब जो हेयर बचे हुए हैं बिल्कुल सेंटर पार्टीशन लेके बैक तक, और इसको हाई पोनीटेल बनाएंगे।
और ये जो हमने चोटी बनाई थी इसको पोनीटेल के साथ मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे रबर बैंड लगा देंगे। कुछ इस तरीके का लुक आएगा यहाँ पे। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी पोनी बना लेनी है। पोनी बनाते टाइम ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी ये वाली पोनी है इसके बराबर में ही ये वाली भी चोटी होनी चाहिए, ज़्यादा पीछे ना जाए या फिर ज़्यादा ऊपर नीचे ना जाए। यहाँ पे बराबर में आ गया, यहाँ से जितना स्पेस छोड़ा उतना ही यहाँ पे भी छोड़ना है। इसको इसके साथ ले लेंगे, क्लिप को निकाल देंगे एंड रबर बैंड लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा खींच लेंगे ताकि ये ज़्यादा टाइट ना दिखे। अब इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और आपस में ट्विस्ट कर लेंगे। और यू पिन से इसको सिक्योर कर लेंगे। छोटी बच्चियों पे काफ़ी अच्छा लगेगा, गर्मियों का टाइम चल रहा है तो आप इस तरीके से हेयर स्टाइल करके उनको स्कूल भेज सकते हो। काफ़ी इजी एंड कंफर्टेबल रहेगा। अगर आप वेस्टर्न ड्रेस में, मतलब आप बड़ी गर्ल्स हैं तो कॉलेज गर्ल्स वगैरह में भी ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके का लुक एक साइड के बन का आएगा, दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से करेंगे। तो टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। मैंने अभी यहाँ पे सूट डाला हुआ है तो हो सकता है मेरे पे नहीं जच रहा हो, लेकिन अगर आप जींस टॉप डाल रहे हो, वेस्टर्न ड्रेस डाल रहे हो कि छोटी बच्चे को बच्चियों को स्कूल भेज रहे हो तो उनपे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगने वाला है ये। यहाँ पे मेरे लेयर्स कट थे जो निकल रहे हैं, तो अगर आपके भी कट हैं तो निकलेंगे, बट उससे ये नहीं मत सोचिएगा कि आपका हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि वो और ज़्यादा आपके हेयर स्टाइल को अट्रैक्टिव और खूबसूरत बनाएगा ये जो निकल रहा है इसकी वजह से। और अगर आपको नहीं निकालना है तो आप सिंपली एक यू पिन लीजिए और अपना जो भी हेयर निकल रहा था उसको यू पिन की मदद से सिक्योर कर दीजिए। तो ये हो गया फर्स्ट हेयर स्टाइल जो कि छोटी बच्चियों पे एंड वेस्टर्न ड्रेस पे गर्मी के टाइम पे आप कंफर्टेबल रह सकते हो। और ये वाला हेयर स्टाइल बना के बैक से कुछ इस तरीके का लुक आएगा एंड फ्रंट से ऐसा आएगा। तो सेकंड हेयर स्टाइल आप इसी हेयर स्टाइल के साथ कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, पहले हम इसी हेयर स्टाइल को ओपन करेंगे। मुझे तो काफ़ी प्यारा एंड क्यूट लग रहा है, बाकी आप देख लीजिएगा आपको जैसे तो वैसे अच्छा लगेगा। अगर बच्ची हैं, छोटी बच्ची हैं या फिर आप कॉलेज गर्ल हो, स्कूल गर्ल्स हो, तो आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हो। और अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहा है, आप कॉलेज जा रहे हो, तो आप सिंपली अपने हेयर को ओपन करोगे, चोटी को अलग कर लेते हैं, सारे हेयर को एक हाई पोनीटेल बना देंगे। अच्छे से कॉम कर लेंगे एंड पोनी का जो हेयर था उसको इसके साथ मिक्स कर लेंगे। ओके और यहाँ पे एक रबर बैंड लगा देंगे। ओके अब जैसे हमने पहले किया था डबल चोटी के साथ, वैसे आपको सिंगल चोटी के साथ करना है। एंड तक पूरा करेंगे एंड इस तरीके से सिंपली
हाई बन बना देंगे इसको, ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा एंड काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ओनली वन रबर बैंड की मदद से ये दो ब्यूटीफुल से हेयर स्टाइल आप बना सकते हो, जो कि काफ़ी प्यारा लगेगा। ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए, कॉलेज गर्ल्स के लिए, वेस्टर्न ड्रेस के लिए बहुत अच्छा है, तो आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आपको कौन सा हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगा, ये मुझे तो सेकंड वाला अच्छा लगता है, क्योंकि मैं मैरिड हूँ एंड क्वीन इंडियन गर्ल्स हूँ, इंडिया में रहती हूँ, तो उस तरीके का थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन आप कुंवारी हैं एंड आप कॉलेज ऑफिस कॉलेज वगैरह जाती हैं, तो आप ट्राई कर सकती हैं जैसे पहले बताया था। और अगर आपको वैसे नहीं जच रहा है तो आप इस तरीके से बना सकते हो, ये सूट के लिए भी अच्छा लगेगा, साड़ी पे भी आप ट्राई कर सकते हो। थोड़ा डिफरेंट एंड यूनिक सा हेयर स्टाइल आपका बन के रेडी हो गया। आई होप कि आपको आज का हेयर स्टाइल पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी से क्योंकि हेल्पफुल ईजी सिंपल हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल्स की वीडियोज देखने के लिए, वो भी कम से कम हेयर स्टाइल टूल्स की मदद से कम हेयर स्टाइल रबड़ बैंड क्लचर्स पिन की मदद से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और इसी तरीके की हेयर स्टाइल की वीडियो देखने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।